नमस्कार दोस्तों, अब शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 18वें दिन की कथा, अध्याय 18 में भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना और धनु मुनि की कथा कहना। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण बोले, राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से फिर पूछने लगे। हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान करने में मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद का हाल सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय में होने वाले मेघ घिर आए। उसके साथ ही पर्वतों को कपाने वाली और शरीर को स्पर्श करने वाली तीक्ष्ण वायु चली और अत्यंत कड़कड़ाती आवाज से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द सब दिशाओं में फैल गया और इसी प्रकार एक महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तापित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र करते हुए विलाप किया। वही यह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, अतः अनजाने में ही उससे पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया, अर्थात उसमें श्री हरि की आराधना हो गई। इसलिए अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन किए। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमयी मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कौन कर सकता है। हे वत्स, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष की होगी। हे द्विजोत्तम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र देता हूँ। हे द्विजोत्तम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के भुवनेश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त हो महादुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1,000 वर्ष बीतने पर देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे मुनिराज, हम तुम्हारे महाकठिन तप से बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो तुम्हारे मन में हो इच्छित वर मांग लो। श्री नारायण बोले, इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, ऐसा तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोले, अच्छा, कोई निमित्त आयु वाला पुत्र हो, ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित्त क्या है, यह स्पष्ट करें। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र मुझे दीजिए। तथास्तु। ऐसा कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसा ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर मुनीश्वर ने उससे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया।
इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर ही वह ब्राह्मणों को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसते हुए जल से भरे हुए एक कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलयकाल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उस पुत्र को शाप दिया कि तू अभी मर जा। परंतु वह नहीं मरा। जब वह मरा नहीं, तब उन्होंने अपने मन में ध्यान किया कि क्या कारण है जो यह मरा नहीं। अरे, देवताओं ने धनु पुत्र को निमित्त आयु का बनाया है। उन्हें यह सब पता लग गया। फिर उपाय सोचकर महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत को खंड खंड कर दिया। तब मुनि का मंदोन्मत पुत्र मारा गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित होकर चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हट से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार का सुख नहीं पाते। परंतु हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुमको जो यह पुत्र दिया है उससे आज तुम लोक प्रशंसनीय हो गए हो। हे अनघ, पुरुषोत्तम मास के महात्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र चिरंजीवी किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल गृहस्थाश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहां देवताओं के वर्ष गणनानुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोग कर फिर पृथ्वी पर आकर तुम चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरांगणी सेना तथा वाहनों से युक्त हो दृढ़ धनवा नाम से विख्यात होगे। 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदरी नाम होगा। यह पति सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और सुशीला नाम की अति सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवता और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगने के बाद इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा, ऐसे अज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत लुभावने संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार मांगने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में शुक बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न कराने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे ब्राह्मण, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम पद को स्त्री सहित प्राप्त करोगे। महाविष्णु के ऐसा कहते ही वह ब्राह्मण पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवता भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर शुकदेव ने उन माता पिता और श्री हरि को नमस्कार किया और पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुड़ जी भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण आश्चर्य युक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भव्य भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोले, हे हरे, मैंने 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहां प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे कि हे वत्स, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 18वां अध्याय समाप्त।